प्यारी बहनें, उम्मीद करते हैं कि आप लोग फुल चौकस होंगे जिधर भी होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को अभी नहीं बात में, तो आपके सीन्स ये हैं, जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने, इधर से भी लेट हो गए, आंखें देख रहे हो, बुरा हाल हुआ है भाई का। कल इस्लामाबाद के फेरे मार मार के मंडियों के मिला शिला कुछ नहीं है, ख्वार हुए हैं, जलील हुए हैं। 5 मिनट रह गए हैं, जमात खड़ी होने लगी है, वहाँ जाएंगे। लौंडे आ रहे हैं नमाज को, 10वीं बस नमाज पढ़ते हैं, फिर आगे पीछे मिलना है, फिर जाना है दोबारा मंडियों में। फिलहाल जा रहे हैं मस्जिद। गैंग लैंड हमारा, ईदी मिल रही है सारे दूसरे से, हम भी जाके मिलते हैं। हजरात इधर के हालात फुल तपे हुए हैं। वगैरह जी क्या कहना चाहेंगे आप? कोई नहीं मिल रहा, हालात क्यों तपे हुए हैं यहाँ के? ये देख रहे हैं वाले साहब सख्त तपे हुए हैं, ये सारी इसकी गलती है, इसने बदवाई निकाली है जो मनहूस इंसान। दो साल देख देख के तीसरे साल इसका असर। इस बार ये कह रहा था मैं नहीं शिरकत फरमाऊंगा कुर्बानी में, मैं नहीं ज़बह करूंगा, ये वो बस इसी ने कोई बदवाई तो नहीं निकालता रहा। ये देखो उसकी शक्ल याद रखो, जिधर नजर आया ना उधर पकड़ के सको। तो संगीन मामला वहाँ पे चाह रहे हैं, अभी देखते हैं किधर जाना है किधर नहीं जाना। अभी चुप करके जाएंगे, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, चुप करके निकलते हैं यहाँ से। ये ना मोबाइल मेरा हाथ में देख लिया, कैमरा ऑन है तो अबू ने कतल कर देना, मेरी कुर्बानी नहीं हो जाएगी। अरे पंजाब कॉलेज की हस्ती माशाल्लाह सर जी, सर जी अबे सर जी सर जी क्या हाल चाल है आपके? सर जी ये हमारे फिजिक्स के सर, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के हैं। मत लगना है। नहीं नहीं ओए चुप चुप, मुझे पढ़ाते फिजिक्स तो नहीं भूल गई आती है यार। ये मेरा चाची सारे अपने निकल खुली हो गए थे, कैसे ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, तो वी आर गोइंग बैक टू वर्ल्ड, आवर जर्नी, वी आर स्टार्टेड आवर जर्नी। हम जा रहे हैं कुर्बानी का जानवर लेने, ईद का पहला दिन है, अभी टाइम हो गया नाउ। ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है मैं जानवर नहीं मिला, तो इस टाइम हम जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, गाड़ी की तरफ। गाड़ी में बैठ के सीधा गोंदल मंडी जाएंगे। शुरू देखो जी, सख्त तप के जा रहे हैं, तप के सख्त तप के, मिलते हैं गाड़ी में बैठ के जी। गाड़ी हमारी रेडी होगी है, बस यहाँ से अपने कलने वाला खाता करेंगे सीधा मंडी। तो यारा जी हर चीज़ दुनिया की छोड़ के हम गोंदल मंडी पहुँच आए हैं। इधर भी इक्का दुक्का बैठे खड़े हैं, इक्का दुक्का है, देखो खाली है भी, ये भी मंडी तमाम हर जगह पे। ये सीन है कि अगर 500 भी छोड़ो, 100 जानवर है ना तो हजार अवाम है, चेक करो, सिर्फ अवाम है और कोई नहीं, जानवर शानवर कोई नहीं। ये देखो माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ खड़ी है, वो देखो खूबसूरत चीज़, बस आप देखो नसीब में जो हुआ नजर आया कुछ तो ले लेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या सीन बनता है। देखो देखो खूबसूरत वेड़े, सही काकों को कुल्ली लगा रहे हैं, 3.80 का ये दे रहे हैं, इसमें कोई चीज़ है 3.80, 1.80 इसका कोई ना दे रहे, 3.80 लगाया है इन्होंने। हाल देखो इन्हें पता आखिरी दिन है, कुर्बानी करनी करनी है, मंड के ना जितना मंड सकते हैं, ये तक होए बैठे नहीं मंडने पर इन चंगा हाल काट के मंड के लोग, 1.80 इसमें कोई ना दे रहे निकल जा। हाँ तो हेरा जी इधर के भी सीन हो गए, आप कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ भी आने का, हार की हुई है, छोटे छोटे बैठे हैं, छोटे छोटे बैठे, छोटे छोटे बैठे, 3, 3.5, 3, 3.5 मान के रेट उन्होंने पूछो 4 लाख, 4.5 लाख ये रेट उन्हें, ये तो बस हड्डियाँ, यकीन मानो इस बार ऐसा लूट रहे हैं, ऐसा लूट रहे हैं जिस तरह हम कोई दरख्तों से पैसे उतार के आते हैं। बहरहाल देखो क्या नसीब है, अल्लाह ने क्या नसीबों में लिखा है वही होगा, आप मिलते हैं घर ही जाके जी। अब व्यापारियों के हाल देखो, 3 लाख रुपए ना इन्हें भी देने, आपने 3 भी ना दे सा है, किश है ये तो निका बड़ा है, इतने इतने आने इतने इतने अद्धा बड़ा है, नाले इन्हें 3 लाख रुपया लाया है नहीं भी देने, 3.20 का दे रहे हैं, अरे 3 लगा दिए इसने दे रहे, क्या चली चली वाह, मैं गल ये नहीं मैं दे नहीं सकता, आप सारे देखते हैं फैमिली देखती होगी, अब इन्हें बंदा क्या कहे, देखो ये देखो 3 लाख रुपया दे रहे नहीं दे रहे, अपना 3.20 तू काटना दे सर।
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਇੰਨਾ 3-5 ਯਕੀਨ ਮਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹ ਦਿਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਨੇ ਤੜਾ 3-5 ਲਾ ਸਟਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਾ ਜੀ ਤਰੇ ਪੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਨ ਗਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਦੋ ਸੋਚੂ 3-10 ਕਾ ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3-10 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਇਸ ਸੇ ਬੜਾ ਹਮਾਰਾ ਥਾ 1-80 ਕਾ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਊਂ 3-10 ਹਮ ਤੋ ਬੇਟਾ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਕੋਈ ਕਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਕਾ ਪੁੱਛੋ ਏ काले का जो है ना वो 4.5 अच्छा इनका क्या इनका इसने बताया नहीं है एक का 4 था एक का 4.5 ओए घर जाओ ये चुप कर के निकलते हैं घर इधर हमारा कोई काम नहीं है हमें बकरे ही इस बार सूट करेंगे अगली बार यही है सबसे लाख लाख रुपया ऐसा लेंगे 7 लाख रुपया इकट्ठा कर सकते फिर बेड़ा किन जाओ तो रजी ईद का आज तीसरा दिन ठीक है पहले 2 दिन तो हम कहीं नहीं निकले मंडियों में घूमते रहे हैं नहीं मिला बड़ा अफसोस हुआ यकीन मानो पहली कुर्बानी हमारी ज़िंदगी में मिस हुई है तो अब ये सीन है कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद आ गया खैर है हमारे साथ वही हमारे लड़के ये देख लो तो अभी पिंडी पहुंच गए हैं एक लड़के का इंतज़ार है बस हुआ है फिर निकलना है इस्लामाबाद वहाँ पे क्या करना है इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में यार भाई कुछ खाना शाना खाएंगे इंजॉयमेंट करेंगे हमारी तो आज ईद लेंगे लड़कों की जो बड़ी ईद होती है पहले 2 दिन का सहयोग साथ ये बड़ी अच्छी बात कही आप तीसरा दिन फिर जो उनका होता है फिर लोंडो की अपनी आपस की ईद होती है क्या बस वो लड़का आता है फिर निकलते हैं इस्लामाबाद उधर का शुगल मेला आपको उधर ही जाके दिखाएंगे ये देखो आ गए हमारे बच्चे आओ जी क्या हाल चाल है सोना हो गया चट्टा हो गया भाई कितने खड़े हो तुम लोग क्या प्लान है देखा नहीं है मैं फोन देख रहा साथ साथ क्या प्लान है आप लेके जाओ ना हम आपके पास कोई थोड़ी जगह बताओ आप मिलते हैं जिधर गए उधर जाके मिलेंगे तो जी अभी हम बस्ती पहुंच चुके हैं किधर पहुंचे हैं लाइकली चौक 26 नंबर पे पहुंच गए मुर्शद साहब गाड़ी चला रहे हैं ये ज़ुनैर शाह साहब इन्होंने अपनी सीट की सआदत मुझे दी है मतलब ये व्लॉगिंग करने की इजाज़त दी है वैसे तो किसी को अलाउ नहीं है ये दूसरी गाड़ी इनकी वो शामीर भाई उतरे हैं शेख टिक्के पे हम आए हैं तो शेख टिक्का बंद है अब स्पेशल हम टेक्सला से इधर शेख टिक्के पे आए हैं और शेख टिक्का ही बंद है ये भाई कह रहे हैं शेख टिक्का ही बंद है मोए हो गया अब क्या करें हम स्पेशल शेख टिक्का पे सीन बताओ इन्हें यार हम इसे उठाने पिंडी गए थे पिंडी से इस्लामाबाद जाना था पर ये हमें वापस हमारे शहर ही ले मैंने इनको बोला नहीं टेक्सला जाएंगे खाने शेख टिक्का शेख टिक्का जब आए देखे कितना 43 किलोमीटर का सफर हम तय करके आए हैं लेकिन जिस काम के लिए आए वो नहीं हुआ अब कुछ और लोरी चलते हैं कोई और प्लान करना पड़ेगा अब लोरी जाएंगे हम बस्ती भाई क्योंकि देखिए किस्मत आज हमारी ठीक नहीं है भाई को हम खिलाना है तो शेख भाई को बोतल पिलाओ शेख टिक्का बोतल तो अभी फिर कोई नया प्लान सोच के आपको बताते हैं भाई तो अभी हम उतर चुके हैं गए हैं भाई बैंक से पैसे लेके आए हैं पैसे लेके भाई अभी कौन से रेस्टोरेंट जाना है लोरी बस्ती में नहीं, अभी नहीं, बस्ती नहीं, से तो भी आए अभी फिर कुर्बा में जा रहे हैं अभी कुर्बा ये भाई लेके जा रहे हैं ज़ुनैर भाई इनकी बर्थडे थी इन्होंने इन्होंने ट्रीट भी देनी है बर्थडे की पेंडिंग है गिफ्ट लाओ पहले पहले ट्रीट होती है फिर उसके बाद गिफ्ट होता है बर्थडे फिर गुजर गई है मेरी तो फिर वो भी गुजर गई है ना ट्रीट ना गिफ्ट जरा अभी खिला रहे ना कुर्बा लेके जाएंगे आपको कुर्बान करेंगे ना वहाँ चलो फिर कुर्बा जाके मिलते हैं
तो यार जी हमारे साथ जो उस टाइम पे मेहमान आए ना उनकी किस्मत बहुत खराब है, जो हमारे व्लॉगर भाई बने हुए थे साथ भाई, इनकी किस्मत इतनी खराब है कि इधर कुर्बा भी आया तो ये भी बंद है। अब क्या करना है? अब मैं करना ये है कि मुझे घर भेज दो आप लोग। सुबह से जब से आया हूँ मैंने इनको बोला भाईजान भूख लगी है, कोई खाना शाना खिला दो। कहते हैं ये वाला सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, उधर जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, वो सबसे अच्छा रेस्टोरेंट बंद होता है। कहते हैं इससे भी अच्छा रेस्टोरेंट है, उधर चले जाते हैं। जब उधर गए वो भी बंद है, अब तीसरे पे आए ये भी बंद है, अब कह रहे हैं चौथा सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, वो बंद हुआ तो मेरे पे जुर्माना डाल दे। मैं फिर लेके जा रहे हैं इनको, वो नहीं बंद होता, उसकी शर्तें लगा लो। शर्तें तो पहले की दो की भी लगी थी लेकिन ये फाइनल, आप चलो देखते हैं क्या होता है। चलो यार महफिल जाके मिलते हैं आपसे। बहरा जी महफिल पहुंचे, इन भाई की किस्मत इतनी खराब है, इतनी खराब है ना, अब ब्लॉग में ना ला। नो गॉड प्लीज नो, इतनी खराब है महफिल भी बंद है। की मानो पहले इनकी हम फरमाइश पे गए थे शेख टिका हाउस पे, मैं घर जाके खाना खाऊंगा। पहले शेख टिका हाउस गए वो बंद, फिर उसके बाद पता नहीं किधर गए, फिर किधर गए, हर जगह बंद है। अभी आके इधर बैठ गए, देखो महफिल के बाद इधर बैठ गए। ये एक गाड़ी खड़ी, वो दूसरी खड़ी, तीसरी ये खड़ी, ये हमारे कोई बंदे मना किया था नहीं खुला। बिल्कुल आपने सही कहा था, पर हम कितनी बार आए हैं इधर, यार जब भी नहीं खुला वो जलालत तुम्हारे नसीब में लिखी हुई है, साथ तुम भी हो। इन भाई के मुकद्दर खराब है पिंडी वाले। सही बात है, या तो नहीं 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 ट्रीट देनी है ना सालगिरह की। अब हमने डील बनाई है कि हम जाएंगे सेवर। अब इन भाई इनके मुकद्दरों में सेवर अगर है तो आपको वो खिलाएंगे। सेवर तो खुला है वो, उसका मसला नहीं, लेकिन वो पिंडी में भी मेरे पास है। मैं इतना दूर टैक्स लगा के 50-60 किलोमीटर। ओए बिस्मिल्लाह कते नहीं बांध दो ना, वो भी बांध। चलो गाड़ियों में बैठो ना, ये आप सेवर जाके खाएंगे। देखो गाड़ी हमारी निकल गई है, अब हम जाएंगे सीधा सेवर, उधर जाके मिलते हैं। अरे तो जी पहुंच गए हम सेवर, देखो खुशी हो रही है आपको? खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। देखा खुशी हो जाए करो है। बस सेवर पहुंच गए, सेवर ही खाएंगे आप, यही नसीबों में। भाई को इतनी एक इतनी शिद्दत से भूख लगी है, देखो सर्विंग खुद खा रहे हैं, दस्ती दस्ती पकड़ा रहे हैं। कहना जी कुछ खा ले आप, कुछ खा ले, पकड़ाओ पकड़ाओ। देखो सर्विंग भी खुद खा रहा है बंदा। और कोक ना पीना, मैं कोक ना पीना मैं। ये रहा जी आप सेवर सेवर खाएंगे, उसके बाद इन भाई को हम करेंगे जी। स्नैपचैट पे उन्होंने बड़ा बड़ा गलत काम है, गलत काम है, छोड़ दो। तेरा जी बस अब हम घर जा रहे हैं, हम उतरेंगे अपने घर की तरफ, तो इन भाई को आगे से अलविदा कर लेंगे हम। ओके हो गया, कोई मसला परेशानी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। चुमिश मिले लो, कोई मसला तो नहीं? नहीं है, नहीं है, आप तो लेनी पड़ेगी। नहीं है मसला मुझे। ओके ओके तेरा जी जिस टाइम ड्रॉप करेंगे भाई को, तेरा जी भाई घर जा रहे हैं, आप इधर मिलेंगे साहब से, हेलो हाय कर के आप कार। रोना नहीं है यार, देखो आंसू आ गए हैं, आंसू आ गए हैं यार, इतनी मोहब्बत हमसे भी कर दिया करे। तुम भी मिल लो, ठीक है जी शाह जी। ओके जी सादा जी, अल्लाह फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे चलते चलते। कल तो आओगे ना मुर्शिद, कल तो आएगा ना मुर्शिद, कोशिश करेंगे आपसे बात करेंगे, वो तो खैर जाएंगे। मोमेंट ये एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, दिल एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते ये। चलो ओके जी सादा जी, अल्लाह हाफिज़। तेरा जी यहाँ पे करते हैं व्लॉग को खत्म, मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।